We have two amazing coaches from Indore, Mr. Rohan and Roshan Joshi. इंदौर में पैदा होके एक इंटरनेशनल स्टेज पर जाके टीटी खेला, थोड़ा बहुत तो डर लगता होगा कि ऑफ कोर्स लाइक फॉरेन पीपल। बिल्कुल थोड़ी नर्वसनेस रहती है क्योंकि आप जाकर इतने बड़े एटमॉस्फेयर में खेलते हैं, इतने टॉप प्लेयर्स के सामने यू आर कम्पीटिंग, तो सबसे पहले तो इट्स वेरी प्राउड मोमेंट, आपको बहुत अच्छा लगता है और इतना एक्साइटमेंट रहता है, और फिर जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है करने को तो नर्वसनेस रहती है लेकिन बहुत अच्छा फील, एक्साइटमेंट इतना रहता है कि वो करने में बहुत मजा आता है। Let's see कि हम कुछ टैलेंटेड बच्चों के साथ खेलेंगे गाइस, लेट्स सी, देखते कितने से हारते हैं। Hello, and we are back with another sports banger because you guys loved us watching us fail at badminton last time. So we're back with another sport, we're back with table tennis, and we have two amazing coaches from Indore, Mr. Rohan and Roshan Joshi, state level champions and international level players. And they are also the founders of Spartan Table Tennis Club, as we know, which is Indore's one of the biggest table yes. tennis clubs. And I mean, kitne log hai, kitne bacho ki abhi training ho chuki hai? I think it is more than 50,000 now. So almost we have made like 100 to 200 if huh. number nahi achieve kiya, but definitely we'll do someday. So we have all different level of player. So big creation se lekar we are having international players now. So like table tennis mein main pehle jana chah raha hu ki individually kaise aap log usse, because as a sports person I'm pehle jana chahta ki why this particular sports only, because लोग जब स्पोर्ट्स में घुसते हैं दे ट्राई अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स थोड़ा बहुत ओब्वियसली एंड देन दे पिक अ नीश, सो लाइक क्या था लाइक व्हाई टेबल टेनिस, और इज इट जस्ट बिकॉज़ बड़े भैया खेल रहे हैं? पहले बड़े भैया खेलते हैं तभी इंटरेस्ट आता है स्पोर्ट्स में, तो मैंने तो चलना भी उसी हॉल में सीखा है, ही यूज्ड टू प्ले, मैं उन्हें देखता था, तो बचपन से ही इंटरेस्ट टेबल टेनिस में आया है। और हर छोटे भाई का यही होता है कि अगर बड़ा भाई खेल रहा है तो उसके पास कोई बाय डिफॉल्ट ऑप्शन बचता नहीं है, जहाँ पेरेंट्स जा रहे हैं वहाँ पर जाना। तो आपने कैसे स्टार्ट किया फिर? बेसिकली मैं तो बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलता था, मैं योगा, मैं क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, सारे स्पोर्ट्स करता था, इवन डांस भी सीखते थे। तो एक दिन पापा नया रैकेट लेकर आए, उन्होंने अपने कॉलेज टाइम पे खेला था टेबल टेनिस। अच्छा। तो एक दिन वो नया रैकेट लेकर आए और एक छोटे बच्चे को जो एक्साइटमेंट होता है नए नए कुछ गिफ्ट का इक्विपमेंट्स का, तो वो एक नया रैकेट लेकर आए और मुझे बहुत एक्साइटमेंट था वो रैकेट से कि आज नया रैकेट आया, आज तो चलो कुछ नया करने वाले हैं। तो राधा दन स्ट्रीट प्ले और कुछ डिफरेंट हम प्रशाल गए और वहाँ पे जाकर देखा, इतना बड़ा हॉल है और इतनी सारी फैसिलिटी है और इतने सारे बच्चे खेलते हैं एक साथ, तो वहाँ पे जाकर देखा, पापा के साथ ही खेला। स्टार्टिंग में तो बैडमिंटन ही खेला था, उसमें पहले तो टेबल टेनिस की कोई टेक्निक नहीं पता थी, मैं बैडमिंटन जैसे टेबल टेनिस खेलते थे और ऐसे ही शुरुआत हुई और धीरे धीरे रिकग्निशन लगा, थोड़ा हम वहाँ पे क्लब लेवल पे चालू किया, फिर स्कूल में रिकग्निशन मिला, डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेले और ऐसी जर्नी स्टार्ट। आप कितने साल के थे तब जब खेलने गए थे? इंडिया में ये चीज थोड़ी सी मैं कम देखता हूँ क्योंकि हमें थोड़ा सा लेट हो जाता है, हम 12-13 साल के बाद हमें रियलाइज होता है कि यार वी वांट टू गेट इनटू स्पोर्ट्स, और कहीं तब तक हम लोग थोड़ा सा लूज कर देते हैं वो बेसिक फाउंडेशन। खिला रहे हैं,
वो 4 to 5 years की एज में टेबल टेनिस स्पोर्ट्स स्टार्ट कर रहे हैं, सो बाय द टाइम दे टर्न 6, 7 or 8 दे आर रेडी टू कम्पीट विद 11 and 12 years ऑफ एज ग्रुप. ये अच्छी बात है यार, इतने यंग एज में अगर मिल रहा है लोगों को स्पोर्ट्स पे. एट द सेम टाइम बच्चों के साथ मतलब यूजुअली यू एक फाउंडेशन बच्चों में ही रहती है, हाउ डू यू डील विद स्मॉल किड्स जो कि मस्ती खोर भी है, थोड़ा शाय भी है, थोड़ा घबराता भी है, तो सबसे पहला अटेम्प्ट हमारा ये रहता है कि बच्चे अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो दे फाइंड देयर इंटरेस्ट. वो यहाँ पर कैसे भी एक घंटा टाइम बहुत खुशी खुशी रुक जाए. अगर हम वो ही नहीं कर पाए फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि वो यहाँ पर आकर अगर खुशी नहीं है इस स्पोर्ट्स में, देन वो स्पोर्ट्स एंजॉय नहीं कर रहे. तो हमें इस स्पोर्ट्स को उन तक पहुँचाना, वो इतना लाइक पहले तो उनको इंटरेस्ट क्रिएट कराना है, उनको बताना है कि दिस इज हाउ यू कैन एंजॉय दिस स्पोर्ट्स. एंड क्योंकि अगर हमने नए बच्चों को अगर पहले दिन ही इंटरेस्ट ऐसा कर दिया कि उनको इतना सीरियस खेलना है या ऐसा करना है और इतना आपको हार्डवर्क करना होता है, ये डोंट अंडरस्टैंड. उनके लिए तो बहुत फन एंटरटेनमेंट लगे चीज़ है. अच्छा ऐसा बॉल होता है, ऐसे बाउंस करते उसे कैच कर लिया, इट्स सक्सेसफुल. हाँ उन्होंने बॉल को टच करके अगर हिट भी कर दिया रैकेट से वन टाइम, दे आर वेरी हैप्पी विद बॉल बैलेंस कर दिया या टैपिंग कर दिया. पर इसके ही लाइक मिरर साइड पे अब ऐसे भी बहुत बच्चे आ रहे होंगे आपके पास जो ऑलरेडी जो जानते हैं ये सब की क्या हो रहा है टेबल टेनिस के वर्ल्ड में, वो उस चीज में बहुत इंटरेस्टेड होंगे उस लेवल्स को देख के कि हमको उधर खेलना है. और ये तो कितना डिफरेंस कितना रहता है ऐसे बच्चों में, लाइक अब इंटरनेट बूम पर है. हाँ यूजुअली हम लोग जो पहले न्यूज़पेपर पे मतलब आपको जितना ज्यादा नॉलेज था कि चाइना का ये प्लेयर है. हाँ एग्जैक्टली. अब इंटरनेट के थ्रू बच्चों को ऑलरेडी पता है. हाँ तो उनके क्वेश्चंस को आप कैसे मतलब. सो दोनों चीज में डिफरेंट है. डेफिनेटली वो अवेयर हैं, उनको आजकल सब वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे उन्होंने टूर्नामेंट्स देखे हैं, अलग अलग जगह देखा है. और उसी के कारण पेरेंट्स और बच्चे किसी स्पोर्ट्स में ज्वाइन कराते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं से तो इंटरेस्ट फाइंड किया है. बट वहाँ देखना और यहाँ खेलना बहुत डिफरेंस है. आप अगर किसी को टेबल टेनिस की बॉल टैप करते हुए देखेंगे तो किसी के लिए वो देखना और समझना बहुत आसान होगा, बट एक्चुअल में जब वो छोटा बच्चा करने जाएगा तो दे विल नॉट बी एबल टू डू. कुछ बच्चे जब मल्टीपल एक्टिविटी में होते हैं उनके लिए वो बहुत ईजी होता है कि उन्होंने कुछ और स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर रखी है, वो पहले से एक्टिव है, तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत अच्छा होता है. सो आप लोगों ने अभी जैसे इंटरनेशनल लेवल पे खेला हुआ है, आप भी स्टेट लेवल पे खेल चुके हो, मतलब इनमें टेबल टेनिस में जितने भी लेवल्स हैं यू हैव बीन देयर यू हैव डन दैट, कितना डिफिकल्ट होता है अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करना ऑन अ लाइक स्टेट लेवल तो है ही, नेशनल लेवल पे भी क्या डिफिकल्टीज आप और फिर इंटरनेशनल लेवल पे. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो अबाउट योर जर्नी, इंटरनेशनली कैसे पहुंचे, क्या हुआ. सो बेसिकली मैं यहां से एक सीनियर प्लेयर थे सुरेंद्र कुलकर्णी, वो बहुत अच्छे प्लेयर थे, सीनियर प्लेयर थे, नाउ इज नो मोर. बट उन्होंने मुझे गाइड किया कि एक ओमान में एक टूर्नामेंट होता है जो एनी वन कैन प्ले और वो उसी लेवल का होता है जैसे ऑल इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं. तो एक क्लब लेवल का टूर्नामेंट, पूरे इंटरनेशनल लेवल का सेटअप और सब कुछ वैसे ही, और वही प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो WTT इवेंट्स में करते हैं. तो आई जस्ट वेंट फॉर इट, ओके ठीक है लेट्स ट्राई. और मैं वहाँ पर गया, इट वॉज लाइक ह्यूज हॉल, और वही टूर्नामेंट को आज WTT इवेंट्स में कन्वर्ट करके अभी सारे इंटरनेशनल प्लेयर जो इंडिया टीम के प्लेयर है जो भी ओलंपिक्स में भी इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लोग ने भी वो इवेंट को खेला है. बट वो इवेंट क्लब लेवल से नाउ इट्स ट्रांसफॉर्म टू WTT इवेंट. तो वैसे मैंने क्लब इवेंट खेले. So, कैसा था एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम जाके, एक मेरे हिसाब से यू आर फ्रॉम इंदौर ओनली राइट, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंदौर ओनली, तो इंदौर में पैदा होके एक इंटरनेशनल स्टेज पर जाके टीटी खेला, थोड़ा बहुत तो डर लगता होगा कि ऑफ कोर्स लाइक. हां नर्वसनेस तो डेफिनेटली होगी यार, थोड़ी नर्वसनेस रहती है क्योंकि आप जाकर इतने बड़े एटमॉस्फेयर में खेलते हैं, इतने टॉप प्लेयर्स के सामने यू आर कॉम्पिटिंग. सिर्फ देखना था, अभी तक तो सिर्फ देखा था यहाँ पे, लेकिन जब आप खुद वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इट्स वेरी प्राउड मोमेंट, आपको बहुत अच्छा लगता है और इतना एक्साइटमेंट रहता है. और फिर जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है करने को तो नर्वसनेस रहती है, लेकिन बहुत अच्छा फील, एक्साइटमेंट इतना रहता है कि वो करने में बहुत मजा. तो वो फर्स्ट टूर्नामेंट में आपने कैसा खेला था, लाइक कहां तक पहुंचे थे आप उसमें? लास्ट टूर्नामेंट हुआ था, मैंने सेकंड टूर्नामेंट खेला था. हां उस एडिशन का. तो फर्स्ट टूर्नामेंट का जो फाइनल चैंपियन था उससे मेरा प्री क्वार्टर फाइनल था. अच्छा ओके. 2-1 और पूरा हॉल वहां इकट्ठा हो गया था और मेरे मैच के अंदर इट वाज लाइक इंडिया वर्सेस बहरीन, क्रेजी एटमॉस्फेयर और बहुत ही अच्छा लग रहा था.
बट उसका फाइनल रिजल्ट वाज 2-1 और लाइक सो इट वाज लाइक 3-2 इन फेवर ऑफ बहरीन प्लेयर बट इट वाज वेरी क्लोज और फिर थर्ड एडिशन में आई बीट हिम इन क्वार्टर फाइनल्स क्रेजी सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था एंड एट स्टेट लेवल्स पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है मुझे ज्यादा चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े क्योंकि मैं भाई के एक्सपीरियंस से सीख करा ओके बट लाइक एमबी लेवल पे मतलब एक से मेरे को एक क्वेश्चन है लाइक जब आप दोनों एक साथ खेलते हो लाइक खेला ही होगा आप लोगों ने काफी तो ज्यादा कौन जीतता है हमारा टूर्नामेंट मैच हुआ है ये नेशनल लेवल टूर्नामेंट है स्टेट लेवल स्टेट लेवल था ओके स्टेट में जो सबसे हाईएस्ट लेवल का मैच होता है मेंस फाइनल वो हम दोनों खेले हैं तो उसमें बहुत ज्यादा बट फ्रेंकली बताऊं कभी भी दो भाइयों में वैसा फीलिंग आता ही नहीं वो कॉम्पिटिटिवनेस या फिर क्या कैसे किस फीलिंग की बात कर रहे हो आप कि आपको हराना है वो ऐसे जोश आता है नहीं कि ये मार के पॉइंट नहीं हो वो हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि आराम से मारना है रैलीज करना है थोड़ा गैलरी गेम खेलना है और पता है पहले से डिसाइडेड होता है कौन जीतने वाला कौन जीता कौन था वो मैच मेरा पॉइंट ये है जैसे कि यूजुअली हम जितने भी इंटरव्यूज किए हैं जितने भी लोगों से बात किए हैं हमने ये चीज को कहीं ना कहीं फेस किया है कि आज भी थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स रहता है व्हेन यू प्ले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एमपी लेवल पे नेशनल लेवल पे बट टीटी एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि विच इज वेरी क्लियरली विजिबल कि क्या हो रहा है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है डू यू थिंक इट इज देयर इन दिस स्पोर्ट एज वेल डेफिनेटली तो यहां पर तो बहुत ट्रांसपेरेंट है रिजल्ट सब अंपायर्स सामने होते हैं कोई मैनिपुलेशन या कुछ पार्शियलिटी को होने का सवाल ही नहीं होता सवाल ही नहीं स्कोर बोर्ड पे स्कोर आते हैं और सब कुछ सामने होते हैं सो नोबडी कैन डिनाई द रिजल्ट जो सामने हो रहा है बट फिर भी ऐसे बिल्कुल भी लाइक थोड़ा भी नहीं होता ऐसे स्टेट लेवल जो प्लेयर्स पिक होते हैं या कुछ भी होता है तो इसमें जो टीम सिलेक्शन होता है वो भी पॉइंट बेसिस पे होता है okay. अगर प्री क्वार्टर खेले तो 15 पॉइंट्स है आपके क्वार्टर खेले 30 पॉइंट्स है okay. सेमी खेला है 45 पॉइंट फाइनलिस्ट रहे हैं तो 60 पॉइंट और चैंपियन बने हैं तो 90 पॉइंट्स तो आप किसी भी राउंड पे अगर हारे हैं या जीते हैं तो आपको वो पॉइंट्स मेरिट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन बन जाएगा एंड एट द एंड ऑफ द ईयर दे विल पिक जैसे तीन स्टेट रैंकिंग होती है एक स्टेट चैंपियनशिप होती है तो आउट ऑफ थ्री दे पिक टू बेस्ट एंड देन उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन होता है और बहुत ही फेयर होता है उतना ज़्यादा उसमें काफी और ये इसका रीज़न ये भी है कि हमारा जो एमपी एसोसिएशन है वो बेस्ट एसोसिएशन है इन आउट ऑफ ऑल 28 स्टेट्स ये बहुत अच्छी बात है कि हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर एसोसिएशन इतना एक्टिव है और इतना अच्छा काम कर रहे हैं मैं एक और चीज़ मेरी जानना चाह रहा था एज अ टीटी प्लेयर मैंने ये चीज़ को देखा है कि जैसे फुटबॉल में यू नीड स्ट्रेंथ स्पीड ये सब कुछ रहता है इसमें यू नीड वेरी क्विक रिफ्लेक्सेस बट रिफ्लेक्सेस के पहले आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि बॉल कहाँ आ रही है और कहाँ पहुँचेगी बॉल सो विद एज ये डिमिनिश होता है या यू कैन हैव अ कंट्रोल ओवर इट नहीं आपको एक तो बेसिक मसल मेमोरी बन जाता है आप इतने टाइम से कर रहे हैं तो मसल मेमोरी बन जाता है हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है आप टेबल पे रिफ्लेक्सेस बहुत क्विक रहते हैं आपके एज के साथ साथ आपके मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होते हैं बट आपका जो मसल मेमोरी बना हुआ हैंड आई कोऑर्डिनेशन रिफ्लेक्सेस है वो तो हमेशा रहता है बॉल कितना भी तेज आ जाए बॉडी रिस्पॉन्ड करता है उसके अकॉर्डिंगली पर लाइक ऐसे इसमें बेस्ट एज क्या होती है लाइक जैसे फुटबॉल में इफ यू सी लाइक 25 प्लस 35ish तक इज लाइक पीक 25 टू 30 इज लाइक द पीक सो लाइक टेबल टेनिस में क्या है पीक टेबल टेनिस में आप बिलीव नहीं करेंगे अभी जो ओलंपिक्स चल रहा है उसमें एक 21 ईयर ओल्ड जो है मॉर्गरेट रूल्स स्वीडन का प्लेयर वो ओलंपिक्स का फाइनल खेल रहा है पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई नॉन एशियन फाइनल में एंटर करा है काफी टाइम बाद तो ये एज परफेक्ट रहता है पर एट द सेम टाइम मैं इस बार ये ओलंपिक्स में देख रहा था भाई आप लोगों ने भी नोटिस किया वो काफी सारे यंग प्लेयर्स जो है ना वो थ्रू कर रहे हैं और दे आर लाइक बड़े नाम आ रहे हैं लाइक क्वार्टर्स में आ गया सेमीज में आ गया फाइनल्स में आ गया इसका क्या रीजन है इज इट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी और मतलब क्या ऐसा यंग प्लेयर्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं सो पहले इतनी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी पहले इतने इंटरनेशनल इवेंट्स नहीं होते थे अब
रिसेंट कुछ ईयर्स में यंग लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटी, इवन यूरोप में तो बहुत सारी लीग मैचेस होते हैं, जापान की अपनी लीग मैच होती है, सब कंट्री की अपनी अपनी एक सेपरेट लीग मैचेस होते हैं, तो उन्हें इतने मैचेस का एक्सपोजर मिलता है कि वो बहुत यंग, और एग्जाम्पल वाइज जैपनीज आर द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल जो बहुत यंग एज में किसी भी प्लेयर पे वर्क करना शुरू करते हैं, और उनके 6 से 7 साल के एज के बच्चे तो इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हमारे यहाँ के बच्चे को स्टार्ट कराया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर बहुत जल्दी, हमारे यहाँ के पेरेंट्स अगर ये अवेयर हों और वो अगर बहुत एक सर्टेन एज पे डिसाइड करें कि उन्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है और अगर वो चालू कर देते हैं तो इट्स वेरी गुड, हम भी वैसा विजन रख के कर सकते हैं। तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत, वहाँ 25 की एज पे तो रिटायरमेंट की कंडीशन पे आ जाते हैं, हमारे यहाँ पर अभी 42 इयर्स की एज में भी वो खेल रहा है, चल रहा है, दे आर प्लेइंग, नॉट इवन चल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बट नाउ इट्स चेंजिंग, यंग लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और तो अभी अवेयरनेस भी बढ़ रहा है पेरेंट्स में, इट विल चेंज डेफिनेटली। एंड ओलंपिक्स को ही लेते हुए, अभी जो इंडियन टीम का परफॉर्मेंस था टेबल टेनिस को लेके, उस पर आपका क्या थॉट्स है? लाइक जैसे मानिका बत्रा फर्स्ट फीमेल बन गई जो राउंड ऑफ 16 में गई, तो ऐसे प्लेयर्स को लेके क्या आपका थॉट प्रोसेस है? तो पहले तो ऐसा होता था कि एक या दो प्लेयर ही इंडिविजुअल से पार्टिसिपेट करते थे और वो सिर्फ पार्टिसिपेट करते थे, अब ऐसा हो चुका है कि हम इस बार फर्स्ट टाइम कंप्लीट नंबर ऑफ एंट्रीज गई हैं, बोथ मैन और वुमेन में दो दो सिंगल इंडिविजुअल एंट्रीज गई हैं, दोनों मैन टीम और वुमेन टीम ने क्वालिफाई किया है, सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। तो पहले तो ऐसा नहीं होता था और अब तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, इवन हमारे प्लेयर्स चाइनीज हो, जैपनीज हो, कोरियंस हो, दे आर कम्पीटिंग इक्वली वेरी वेल। अगर ऐसे देखने जाएं कि लाइक फैंस कब तक एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई इंडियन स्टार मेडल लेवल तक, गोल्ड इज बाद की बात, पहले ब्रॉन्ज तक तो पहुंचे भाई, तो लाइक कोई कितने टाइम तक अपन ऐसे रुक सकते हैं एज फैंस? सो हम बहुत क्लोज हैं, अभी ही एशियन चैंपियनशिप हुआ था, उसमें चाइनीज टीम जो कि सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग है, जिनको एक्सपेक्टेड है कि वो ही मेडल जीतती है, इतने सालों से लास्ट कपल ऑफ ओलंपिक इवेंट्स में वो ही टूर्नामेंट जीती हैं, तो अभी जो एशियन चैंपियनशिप में हमारी गर्ल्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2, इवन वर्ल्ड नंबर 3 हम सबको जीत चुके हैं, तो इट्स अ वेरी गुड साइन कि आने वाले कुछ सालों में और कुछ इवेंट्स में वी कैन डू वेरी वेल, इवन कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में हमने मेडल जीते हैं, तो वी आर डूइंग वेरी वेल एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोग्रेशन राइट नाउ। Why do you think कि चाइना ने इतने साल तक डोमिनेट किया है टेबल टेनिस को? They have their own not just table tennis, net sports सारे net sports में, मतलब अभी like let's talk about table tennis, इतने सालों तक table tennis में हमें legends मिले हैं चाइना से, in fact they have their own grip वाला, क्या मतलब what's the name of it? Penholzer, like what is that let's talk about that grip first, जो दो grip होता है इंडिया और एशिया में जो यूज होता है मोस्टली, वो होता है शेक हैंड ग्रिप, जैसे हम शेक हैंड करते हैं, हम इंडिया में ज्यादातर रैकेट वैसे होल्ड करते हैं, व्हिच इज लाइक नॉर्मली नॉर्मल जैसे शेक हैंड करते हैं, वो शेक हैंड ग्रिप होता है। चाइना में वो लोग जैसे पेन को होल्ड करते हैं वैसे ग्रिप होल्ड करते हैं, उससे खेलना बहुत डिफिकल्ट होता है, वो दोनों साइड से स्टिक विडल करके खेलते हैं पेन को होल्ड करके। सो लाइक व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ इट, लाइक व्हाई डू दे नीड दैट ग्रिप, इसका कुछ हिस्ट्री है, क्यों है ये, क्या है इसमें रिस्ट मूवमेंट, बहुत तरह का ग्रिप है, आप रैकेट को कैसे भी पकड़ो आप खेल सकते हो, बट एक उनका एक ट्रेडिशनल पैटर्न हुआ करता था जिससे बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे लेजेंड रहे हैं जो उस ग्रिप से भी दे हैव प्लेड एक्सीलेंट, लाइक मालिन करके एक प्लेयर है 2008 बीजिंग ओलंपिक में, ही प्लेड एक्सीलेंट एंड ही वॉन द गोल्ड मेडल, तो वो ग्रिप का एडवांटेज भी बहुत होता है। क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज? एडवांटेज इज कि उसमें है ना रिस्ट मूवमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि आप जब पैन होल्ड की तरह करते हो तो आपको बहुत फ्लेक्सिबल होता है, और डिसएडवांटेज ये है कि आपको बैक हैंड खेलना थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि हमने नहीं खेला है इसलिए हमें वो टफ लगता है, बट जिसने वो पैटर्न को स्टार्टिंग से यूज किया है वो उसके लिए वो बहुत एडवांटेजेस रहे, और अभी एक यंग प्लेयर फेलिक्स लिब्रन करके फ्रांस का प्लेयर है, वही ग्रिप यूज करता है, दो भाई हैं वो भी, और एलेक्सिस लिब्रन जो है वो शेक हैंड ग्रिप यूज करता है, और जो छोटा भाई है वो पैन होल्ड ग्रिप यूज करता है, इज इन द वर्ल्ड टॉप 5। अच्छा, सो लाइक आज के टाइम में भी उसकी मतलब
वो स्पोर्ट्स में उसकी जगह है, बिकॉज आई थिंक अब थोड़ा सा डिमिनिश हो रहा है. आई मीन आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग. वो अभी भी वो ग्रिप चल रहा है इंटरनेशनल, बिल्कुल चल रहा है, और वो अभी सेमीफाइनल में है एंड ही विल बी प्लेइंग टुडे ओनली विद हुगो काल्डेरानो ब्रॉन्ज मेडल मैच. दैट्स रियली नाइस. टीटी में इंजरी लेवल का क्या है, मतलब इंजरीज होती कैसी हैं? सो इसमें पता नहीं चलता है, बट सारे मसल पार्ट यूज होते हैं क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है, तो वी डोंट नीड अ बल्की मसल्स, बट हाँ डेफिनेटली सारे मसल पार्ट एक्टिव होते हैं. मेजरली शोल्डर इंजरीज ज़्यादा होती हैं प्लेयर्स को, और लेग मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, लोअर बॉडी का बहुत यूज़ है, तो इवन नीज में एंकल ट्विस्ट होने का चांसेस रहता है, नीज में ACL टियर होता है. तो दीज आर द कॉमन आपको पूरे टाइम, एंड दैट इज मेंटली एग्जॉस्टिंग आई फील लाइक, कि पूरे टाइम बीइंग हियर ओनली, मेरे को यहीं पे खेलना है, मेरे को हर बॉल का जवाब देना है, कितना एग्जॉस्टिंग रहता है ये. आप लोगों को एक रैली खेल रहे हैं तो सारा फोकस आपका उस बॉल पे रहता है, और जैसे ही फोकस शिफ्ट हुआ, आपका थॉट कहीं और गया, वो बॉल में सुझ जाता है. तो जब हम मैच खेलते हैं, इसीलिए हम काफी प्रैक्टिस करते हैं कि हमारा थॉट वहीं पर रहे जो अपोनेंट कैसे बॉल खेल रहा है. इसलिए हम ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं, प्रैक्टिस ही उसी का करते हैं. I really want to talk about that meditation वाला part, because you're right, मतलब अगर आप if you are playing a game, इसमें general game कितना लंबा जाता है, maybe 30 minutes, 35 minutes, इतना easy. Process. And 30-35 minutes peak concentration के लिए, of course, अगर आप बहुत ज़्यादा mentally इधर उधर जाते हो, तो आपके लिए possible नहीं है वो concentration maintain करना. So what part does meditation play in this sport? So जो मैच खेलते हैं, दैट इज़ नॉट कि आप डायरेक्ट जाके आप मैच खेल सकते हो इतना लंबा. वी प्रैक्टिस फॉर लॉट मैनी आवर्स टू प्रिपेयर अवर सेल्फ टू प्ले मैच, क्योंकि मैच में वी कैन नॉट बी लेथार्जिक और टायर्ड, वी हैव टू प्ले अवर बेस्ट टिल द एंड. तो आप उस चीज़ की बहुत नंबर ऑफ आवर्स ट्रेनिंग करते हैं, ताकि आप मैचेस में विदाउट गेटिंग टायर्ड, यू हैव टू प्ले टायर्ड फिर भी होते हैं, क्योंकि ये एक्टिव चेस की तरह है. आपको सिर्फ फिजिकली मूव नहीं करना है, आपको बहुत एक्टिव रहना है, और इसमें स्पिन भी इन्वॉल्व है. इट्स नॉट लाइक टेनिस, टेनिस के अंदर उतना स्पिन रोटेशंस नहीं है, बट टेबल टेनिस के अंदर आपको शॉर्ट कोर्ट में तो मूव करना है, बट यहाँ पर स्पिन इन्वॉल्वमेंट होने के कारण यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड वेरी अटेंटिव, तभी वी कैन परफॉर्म. पर लाइक ऐसे आप लोगों के साथ कभी हुआ है कि आप कोई मैच में हो और योर माइंड वांडर्स? ऐसे हर बार होता है, बिल्कुल. पहले क्या ब्लैंक हो जाते हैं, कहां चले जाते हैं, क्या खाया, बिल्कुल थॉट आते हैं, बट वी हैव टू कंसंट्रेट, बिकॉज़ व्हेन वी हैव टू विन द पॉइंट, हमारा कंसंट्रेशन, वी शुड नॉट लूज इट. एज ब्रदर्स, हैव यू गाइस प्लेड डबल्स? कभी ये सोचा है कि डबल्स टूर्नामेंट में एंटर करते हैं? हमने खेला है, लेकिन हम बहुत डांटते हैं दूसरे को, ये गलती करता है तो मैं इसको बोलता हूं क्या कर रहा है यार, तो उसमें लड़ाइयां बहुत होती है. बट हाउ डिफरेंट इज एक इंडिविजुअल प्लेयर अलग होता है डिफरेंट इनेस का, और एक डबल्स टीम अलग होती है, दोनों में क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, मतलब स्पोर्ट ही अलग है मेरे हिसाब से. डिफरेंस कितना है? सो एक इवेंट होता है, एक कैटेगरी होती है जिसमें आप सिंगल्स और डबल्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं. तो जब आप सिंगल्स खेल रहे होते हैं तो सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के ऊपर होती है, बट जब डबल्स खेल रहे होते हैं तो फिर आपको दोनों की ट्विनिंग इक्वली होनी चाहिए. डबल्स में आई फील लाइक कि कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि अल्टरनेट शॉट्स वाला वो रहता है, तो उसमें काफी हम लोगों ने यहां पर भी आने से पहले ट्राई किया, एक हफ्ते से भी आई हैव बीन प्लेइंग टेबल टेनिस, एक हफ्ते से तो नहीं, दो दिन खेले. ओके, एंड वी रियलाइज कि डबल्स इज रियली डिफिकल्ट. हां एग्जैक्टली, हटना पड़ता है फिर वापस लेना पड़ता है. सो बेसिकली एनीबॉडी हु इज ट्राइंग टू गेट इनटू डबल्स, क्या अप्रोच आप उन्हें सजेस्ट करोगे डबल्स खेलने के लिए? इज देयर अ वे लाइक इस चीज को थोड़ा कम्युनिकेशन को और स्मूथ आउट करना? सो टेबल टेनिस में डबल्स आपको अल्टरनेट खेलना होता है, क्योंकि शॉर्टर कोर्ट होता है, टेबल का एरिया कम है एज कम्पेयर टू बैडमिंटन एंड लॉन टेनिस, तो हमें अल्टरनेट खेलने का रूल है. तो आपको कोऑर्डिनेशन ये रहता है कि यू हैव टू गिव चांस टू योर अपोनेंट एंड यू हैव टू कीप मूविंग ऑल द टाइम, और आप आपने इधर शॉट खेला, यू कैन नॉट स्टैंड देयर, क्योंकि आपको स्पेस भी देना है, वापस भी आना है. सो दैट कोऑर्डिनेशन यू हैव टू मेक, दैट एवरी टाइम यू हैव टू बी अलर्ट.
और डबल्स खेलने के लिए आपके प्लेयर के साथ आपकी ट्यूनिंग, क्योंकि आप जो सर्विस कर रहे हैं और जो स्पिन कर रहे हैं वो आपके पार्टनर को रिटर्न करना है, तो आप जो खेलने वाले हो, आप जो करने वाले हो, यू हैव टू टेल हिम कि आप क्या करने वाले हो, कौन सा स्पिन करने वाले हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो सामने से रिटर्न आएगा वो आपके पार्टनर को खेलना होगा, तो आपको कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है पार्टनर के साथ। व्हाट डू यू फील लाइक कि आपका सबसे ज्यादा एक डिफिकल्ट सेक्टर है टेबल टेनिस में, कि यार दिस इज वेयर आई लाइक मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है मेरे लिए इस चीज को करना टेबल टेनिस का एज अ स्पोर्ट। एज अ स्ट्रोक वाइज हम अगर बात करें तो कुछ ऐसे स्ट्रोक्स होते हैं जो बहुत टफ है खेलने के लिए और वो बहुत मज़ेदार भी होते हैं, जैसे काउंटर टॉप स्पिन, तो वो किसी की टॉप स्पिन आ रही है, किसी ने अटैक करा है उसके ऊपर काउंटर टॉप स्पिन मारना है, तो ये चैलेंजिंग भी होता है क्योंकि आपको सामने लेके अटैक के ऊपर अपना अटैक बनाना है, और ये बहुत मज़ेदार भी होता है क्योंकि जब बॉल राइट जाती है तो यू फील वेरी गुड कि वो बहुत अच्छा शॉट आया, और ऑडियंस के लिए भी बहुत अच्छा होता है जब सामने काउंटर टॉप स्पिन के ऊपर काउंटर टॉप स्पिन की रैलीज होती है, दे एंजॉय द स्पोर्ट्स। मुझे हाई बॉल्स बहुत डिफिकल्ट लगती है। What is high ball? High ball ये होता है जो बॉल नेट लेवल आता है वो तो खेल देता है, अब जो बहुत हाइट में आता है मतलब नेट की हाइट से काफी ऊपर है वो बॉल खेलने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है, और ऐसा होता है कि मैंने बहुत अच्छा स्ट्रोक खेल दिया है, अपोनेंट आउट ऑफ पोजिशन हो गया है, उसने कहीं से भी मैनेज करके पीछे से बॉल हाई रख दिया है, अब उसमें क्या होता है रिदम ब्रेक होता है, टाइम ज्यादा मिलता है, तो वो बॉल मैक्सिमम मिस होता है, बट उसके लिए प्रैक्टिस करना। हाई बॉल यूजुअली वही होता है जिसपे स्मैश मारते हैं ज्यादातर, तो ओ बाप रे, तो ये तो भाई दोनों में से किसी का वीकनेस है, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू मीट देम स्पोर्ट में। इससे मुझे एक और चीज याद आई, क्रिकेट में ऐसा होता है यूजुअली कि जब बैट्समैन बैट कर रहा होता है तो वो ये देखता है कि जो बॉलर ने अपना बॉल कैसे पकड़ रखा है, किस एंगल पे पकड़ रखा है, तो जब आप टीटी खेल रहे हो तो इट्स नॉट जस्ट कि आप बॉल पे कॉन्सेंट्रेट करो, आप ये भी देखते हो कि उसने शॉट कौन सा मारा, बिकॉज़ एज यू सेड कि यार बहुत वेरिएशंस हैं इसमें, स्पेशली अलग तरीके से क्या करती है अलग मूवमेंट पे, तो उतनी जल्दी गेम भी चल रहा है और वो भी देख रहे हो कि आप कि ये मारा क्या है इसने, तो उस हिसाब से थोड़ा एक्सपेक्टेड रहता है कि मुझे अब क्या करना है। बिल्कुल, क्योंकि आप बिना बॉल देखे यू कैन नॉट प्ले अ राइट स्ट्रोक, क्योंकि इतने वेरिएशन है, आपको हमेशा हर बॉल अलग आने वाली है, हर बॉल में स्पिन अलग है, हाइट अलग है, लेंथ अलग है, तो कभी भी दूसरा बॉल तो रिपीट हो ही नहीं सकता, इट इज ऑलवेज अ डिफरेंट बॉल इन टेबल टेनिस, तो जब आपको इतने कम टाइम में अलग अलग स्ट्रोक्स खेलने हैं और आपको उसकी क्या स्ट्रोक खेला है अपोनेंट ने, कौन सा स्पिन मारा है, कौन सा एंगल पे मारा है, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, और हम उसका हाथ भी देखते हैं लाइक उसका जो रैकेट का एंगल है किस तरफ से स्पिन किया है, अगर वो सर्विस कर रहा है तो कौन सा स्पिन किया है, और बहुत कम टाइम मिलता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वी हैव टू मेक अ क्विक डिसीजन, और उसके बाद भी आपको रैलीज कंटिन्यू खेलना होती है, तो यू गेट वेरी लेस टाइम इन बिटवीन द रैलीज। छोटे बच्चों को कैसे मतलब, क्योंकि सी हर स्पोर्ट्स की वो चीज होती है, एक तो होता है कि आप फिजिकली जाके खेलते हो जो कि हर बच्चा चाहता है कि हमें वो खेलने को मिले, दूसरा पार्ट होता है विच इज ऑल्सो अ बोरिंग पार्ट एजुकेशन वर्क, जैसे आपने थ्योरीज बताया थ्योरीज सर कहता है, हाउ डू यू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर स्मॉल किड्स बिग लाइक जो भी खेल रहा है कि यार खेलना तो जिसको बस फर्क पड़ रहा है कि वो मारे और खेले बस, उसमें टैलेंट है लेकिन उसको थ्योरीज कैसे इंटरेस्टिंग बनाते हो, लाइक आपके आपके एकेडमीज में डू यू प्रेफर टेलिंग अबाउट थ्योरीज, ये होल्ड होता है वो होल्ड होता है ये मैचेस में ये देखो या लेसन सीखो, या यू प्रेफर कि वो प्रैक्टिकली खेले फिर उसमें ही सीखते जाए धीरे धीरे। वो लर्निंग को हमने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है, बहुत फन वे में हम उन्हें बताते हैं छोटे बच्चों को, जिसमें वो एंगेज भी रखे, हमने बहुत जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उन्हें सिंप्लीफाई करके स्टेप्स में जो फन पार्ट है उसको साथ एंगेज करके फिर बच्चों को बताते हैं। बच्चा ये नहीं बोलता यार सर स्कूल में दिन भर पढ़ाते रहते हैं, वो यहाँ तो अपना हैप्पी आर रहता है उन्हें मज़े करने आते हैं, तो उन्हें मज़े मज़े के साथ उन्हें राइट एजुकेशन देते हैं कि जब वो उन्हें अच्छा लग रहा है उसी के टाइम पे हम उन्हें थोड़ा थोड़ा गाइड करते हैं, और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर हम हमारा टीचिंग पैटर्न ऐसा रखें तो वो डेफिनेटली बोर हो जाएंगे, लेकिन हम उन्हें मज़े मज़े में सिखाएं, अगर हम उन्हें बहुत इजी स्टेप्स में ब्रेक कर दें तो वही चीज़ उनके लिए एन्जॉयबल थिंग हो जाती है, और हम उन्हें उस छोटे छोटे टास्क देते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वो अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है छोटे बच्चों को, उन्हें लगना चाहिए उन्होंने कुछ अच्छा करा है, अगर उन्हें ये लगेगा कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं तो वो बोर हो जाएंगे, बट हम उसे स्टेप्स में ब्रेक करके ओके यू डू 30 सेकंड ऑफ होल्ड जो एकदम बेसिक है, आपने रैकेट पकड़ के बॉल को सिर्फ बैलेंस करना है रैकेट के ऊपर,
अगर आपने बिना गिराए अगर आपने 5 सेकंड तक होल्ड कर लिया, दैट्स अचीवमेंट फॉर दैट यंग बच्चा. तो हम वो ऐसे स्टेप्स में कराते हैं. अगर किसी ने टैपिंग कर लिया है तो फिर उसके लिए फिर हम टैपिंग कराते हैं कि आपको एक फोर एंड टैपिंग करना है, एक बैक एंड टैपिंग करना है. तो ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस देकर उन्हें अकम्प्लिश करवा कर उन्हें अप्रिशिएट करा कर दैट्स हाउ वी मेक देयर कॉन्फिडेंस. As a single sport ना, मतलब मेरा हमेशा एक question रहता है, when it's compared to like team sports, cricket, football, जिसमें number of players are like more than 5. Let's talk about CBSE championships, ठीक है? CBSE championship में मेरे हिसाब से table tennis में हजारों बच्चे हैं, right? यहाँ पे बहुत से बच्चे जो कि आना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, लेकिन उन हजारों में CBSE championship पूरे साल में मिलता है सिर्फ 1 लाख बच्चे को. बिल्कुल. कितना डिफिकल्ट है उस बच्चे के दिमाग में मोटिवेशन डालना, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, इट्स नॉट इजी. हजारों बच्चों में यू नीड एवरीथिंग एक साल जीतने के लिए, एंड बहुत मुश्किल है जब आप मल्टीपल टाइम्स सीबीएसई चैंपियनशिप जीतते भी हो. हाउ डू यू कीप पीपल मोटिवेटेड टू स्टे इन द स्पोर्ट्स व्हेन दे नो कि जो सबसे बड़ा टाइटल है वो अचीव करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ओके, सो सीबीएसई टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन तो बहुत होता है, बट उसे पार्टिसिपेट करने वाले ऐसे बच्चे भी हैं जो रेगुलर खेल रहे होते हैं, जो रेगुलर किसी क्लब में जाते हैं, वो ओपन टूर्नामेंट्स भी खेल रहे होते हैं. तो जो रेगुलर टूर्नामेंट नहीं खेलते हैं उनके लिए वो बहुत लर्निंग टूर्नामेंट होता है, क्योंकि वो उन्हीं के साथ टीम अप कर रहे होते हैं जो बच्चे रेगुलर टूर्नामेंट्स खेलते हैं, रेगुलर कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करते हैं, इवन नेशनल्स खेलते हैं, स्टेट्स खेलते हैं अपने स्टेट से. तो जैसे सपोज मेरे क्लब के बच्चों का एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ स्कूल में टीम्स कम्प्लीट हैं जिसमें सारे प्रोफेशनल प्लेयर हैं, कुछ स्कूल के अंदर कुछ प्रोफेशनल प्लेयर हैं और कुछ वो टीम कंप्लीट करने के लिए लेकर जाते हैं कि उनके स्कूल में वो उन्होंने थोड़ा खेल रखा है, उनको थोड़ा आता है, उनके ट्रायल्स होते हैं और उनके लिए वो ही ओलंपिक्स रहे. वो उस एक सीबीएसई टूर्नामेंट के लिए दे प्रिपेयर लाइक एनीथिंग, क्योंकि उनके पास में कोई और ऑप्शन नहीं होता. स्कूल से इमीडिएट उनको पार्टिसिपेशन मिलता है तो वो सीबीएसई टूर्नामेंट में नहीं मिलता है, जो क्लस्टर इवेंट्स बोलते हैं जिसको. तो क्लस्टर सीबीएसई नेशनल्स होने के पहले ये क्लस्टर्स में डिवाइडेड रहता है, जोन्स डिवाइडेड रहते हैं अलग अलग एरियाज वाइज, स्टेट वाइज. तो पहले वो अपने स्कूल की टीम में सेलेक्ट होते हैं, फिर वो स्कूल की टीम से सिलेक्ट होकर उस क्लस्टर में सिलेक्ट होते हैं, फिर वो क्लस्टर की टीम सिलेक्ट होती है सीबीएसई नेशनल्स के लिए. तो उनको किसी प्रोफेशनल प्लेयर के साथ में टीम अप करना उनके लिए सबसे बढ़िया मोटिवेशन होता है, और वो कॉम्पिटिशन इज सिमिलर लाइक नेशनल चैंपियनशिप. तो बहुत ही अच्छा होता है वो इवेंट्स. हाँ यार, कोई प्रो के साथ टीम अप मिले तो काफी सीखने को भी मिले. एग्जैक्टली. सो बेसिकली यू हैव 4 अकेडमीज एज ऑफ नाउ. हाउ डिड यू स्टार्ट द अकेडमी थिंग? लाइक आपने लाइक प्लेयर से अकेडमी ओनर पे कैसे शिफ्ट हुए? सो हम तो खेल रहे थे एज अ प्लेयर, और मैं मुंबई में था, मैं मुंबई में रेलवेज में मेरी जॉब थी, और रोशन यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था, और फिर इसने एजुकेशन के लिए दिल्ली चला गया. बट हम यहाँ पर जब इंदौर में आते थे तो हमें बीइंग अ सीनियर प्लेयर हमको एक अपना खुद का स्पेस चाहिए था जहाँ पर हम प्रैक्टिस कर पाए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. तो हमने जगह ढूंढ रहे थे, और ये जगह पर यहाँ पर कैंप्स होते थे, समर कैंप्स, जिसमें अंडर प्रिविलेज किड्स को सिखाया जाता था. तो यू वोंट बिलीव 100 to 200 बच्चे यहाँ पर आकर कैंप खेलते थे एवरी समर. तो वो सिर्फ 15 दिन या 1 महीने के लिए ही ऐसा होता था. हमने यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस के लिए ही स्टेडियम से 2 टेबल बोरो किए, और हमने 2 टेबल पे खुद की प्रैक्टिस के लिए इतने बड़े हॉल में सिर्फ 2 टेबल. तो हमारा अकेडमी का तो कुछ प्लान नहीं था, हमने तो सिर्फ हमारी प्रैक्टिस के लिए भी स्टार्टेड. बट हमने जब प्रैक्टिस स्टार्ट करी तो देर वर लॉट ऑफ पीपल हु न्यू डेट यहाँ पर एक हॉल है, और ऐसे हम किसी जगह पर भी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग. तो हमने वहाँ पर जाकर हमसे इंक्वायरीज आने लगी, बच्चे पूछने लगे कि आप हमको मिलेगा क्या चांस आपके साथ खेलने को. तो वी वर मोर देन हैप्पी टू वेलकम दैम एंड गाइड दैम. तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ, 4-5 बच्चों ने पूछा, एंड फर्स्ट मंथ में वी अचीव्ड 6 किड्स. लेट्स गाइड देम, और क्यों नहीं हम अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ बच्चों को भी अपना नॉलेज पास ऑन करें, और इस सिटी ने और इस स्पोर्ट्स ने जो हमें इतना रिकग्निशन दिया है, लेट्स ट्रांसफर इट टू अदर वन, और उन्हें उनकी जर्नी में हम वो हेल्प कर सकते हैं जो हमें प्रॉब्लम और चैलेंजेस आए थे, जो हमने लेट स्टार्ट किया, राइट टाइम पे राइट बैलेंस नहीं मिला,
वो हम इनके साथ में इन्हें वो चीज़ मिस आउट ना हो, वो हमने स्टार्ट किया. और ऐसे धीरे 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 करके बच्चे बढ़ने लगे, रिस्पॉन्स अच्छा आने लगा, परफॉर्मेंस आने लगा. That's how it started. और ये सोशल मीडिया पे आप लोग इतने वायरल कैसे, लाइक कैसे आपने स्टार्ट किया? You are also YouTubers. Yeah. YouTubers कहेंगे. Pro, pro, pro. Yeah. Obviously. 1.63 lakh subscribers. On YouTube, I'm on Instagram. You have like 67k, which is like quality rising. तो first of all, YouTube पे जाने का idea किसका था? मैं दिल्ली में रहता था. हाँ. मेरे काफी यूट्यूबर्स दोस्त थे. हाँ. तो वहां से एक आइडिया आया था और हाँ. मैं ऐसे व्लॉग्स बनाते थे, ट्रैवल व्लॉग्स. हाँ. निखिल मुंबईकर को देख के बड़े हुए थे. तो जो सेम चीज हमने टेबल टेनिस में करा, टेबल टेनिस में खुद के वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करे और उसको फन क्रिएटिव वे में बनाना स्टार्ट करा, तो लोगों को देखने में काफी अच्छा लगता था. हाँ. तो जब टेबल टेनिस के वीडियोस अपलोड करे ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के साथ, ऑडियो के साथ, तो वो वायरल होने लगे. But academy चलाना is a different thing and being a YouTuber is a different thing. And both are full time things. हाँ, full time. Yeah. Full time thing. तो उसमें क्या learnings रही हैं अभी? मतलब और आप लोगों ने like split करके रखा है कि like he'll take care of the digital side and you'll take care of the clubs. सबको सब काम में help करते हैं. Okay. और बेसिकली आइडिया रोशन का होता है और हम एक दूसरे से आइडिया शेयर करते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं कि हम कैसे उस आइडियाज के साथ में टेबल टेनिस में कुछ ऐसा कंटेंट बना सके जो लोगों को पसंद आए. बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज भी होते हैं बट पीपल को बोर हो जाते हैं देखने में. तो हम ऐसा करना चाहते थे कि मस्ती भी हो और कुछ हम उसमें इंफॉर्मेटिव भी ऐसा बना सके जिसे हम ट्यूटोरियल वीडियोस बना सकें बहुत सिंपलीफाई करके, जिसमें हमें भी मजा आए और देखने वाले के लिए बहुत अच्छा रहे. तो इसमें लाइक आप लोगों ने ऑब्वियसली और भी लोग देखे होंगे जो टेबल टेनिस के कंटेंट बनाते हैं यूट्यूब इंस्टा पे, तो आप लोगों ने जब ये स्टार्ट किया था तो मेन मोटिवेशनल कौन थे ऐसे क्रिएटर्स? हमने स्टार्ट करा तब बहुत सारे लोग नहीं थे जो वीडियोस बना रहे थे. हाँ. अब काफी लोग बनाने लग गए हैं बट एक पॉन्गफिनिटी करके है टेबल टेनिस में, टेबल टेनिस डेली है, एडम बॉबरो है, ये कुछ यूट्यूबर्स थे जो वीडियोस बना रहे थे. बाकी हम दूसरे फील्ड से ज्यादा आइडिया लेते हैं, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, उसमें लोग क्या कर रहे हैं तो वहां से हम आइडिया लेते हैं. सो नाइस. व्हाट इज योर मोस्ट वॉच्ड वीडियो? वो है मोर देन 30 मिलियन व्यूज है उस पे. डैम. 30 million. और सामने जो भूमिका जो हमारी स्टूडेंट है, ट्रेनी है, वो ऐसे ऊपर देख रही है और मैं हाथ से ऐसे सर्विस कर देता हूँ उसे ब्लफ करके. एंड उसका जो एक्सप्रेशन था जो एकदम नेचुरल आया और बॉल इतना स्पीड में निकला, डेट वॉज इट. और उस वीडियो को बहुत सारे मोटिवेशनल पेजेस ने यूज़ किया एज वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड लाइक दैट. तो वो ऐसे फेमस हुआ, हमारे चैनल से उसे 1.2 मिलियन व्यूज़ आए थे, तब जाकर वो बड़े बड़े पेजेस के नोटिस में आए. उसे 433 पेज करके एक चैनल है जो फुटबॉल के कंटेंट बनाता है, उसने वो तब 35 मिलियन था जब उसने हमारा वीडियो यूज़ किया. Now it is more than 50 million वो पेज इतना फेमस है. तो उसके पेज से फिर हमें और रीच मिली और एक स्टार्टअप मोटिवेशन करके एक पेज था, उसने हमारे वीडियो को यूज़ किया, तो इट वेंट मोर देन 120 million. बाप रे. और टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स, एवरीवेयर वॉज दैट वीडियो. अभी भी हमें कई लोग जो मर्ज करके फेमस वीडियोस बनाते हैं उसके अंदर कोई ना कोई वो क्लिप को यूज कर लेते हैं. खाबी लेम करके है, उसने भी उस पर रिएक्ट करा है उस वीडियो पर. Who's that guy? खाबी लेम जो ऐसे करके रिएक्ट करता है. अच्छा वो दैट गाय. यस, दैट गाय इवन रिएक्टेड. क्रेजी है. डेफिनेटली कोई भी अगर कंटेंट क्रिएटर या कोई ऐसी फेमस पर्सनालिटी आपके क्लब में आती है तो डेफिनेटली वो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है पब्लिसिटी के लिए कि कोई भी सेलिब्रिटी आपके यहाँ आकर खेल रहे, जैसे समय रैना भी यहाँ पर आया है, मुश्ताक खान सर भी यहाँ पर आए हैं जो उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ में काम किया है. तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. हाउ समय रैना एज अ पर्सन?
वो बहुत चिल बंदा है और इतना मस्ती करते है, इतना वो ऐसी सबको कुछ भी बात में उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है कि वो कभी भी कैसे भी हंसाना जानते हैं. हमें बिल्कुल ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि समय रहना ऐसा खेलता होगा. व्हेन ही केम उसे तो बहुत अच्छे से आते, बट हमने मैच भी खेला, बहुत मजे भी करे, ट्रिक शॉट भी खेला, उसने मुझे भी ट्रिक कर दिया. एंड वेरी ही इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन एंड वेरी गुड एज अ ह्यूमन बीइंग. सो व्हाट इज नेक्स्ट फॉर स्पार्टन्स हम ट्राई कर रहे हैं कि दूसरे सिटीज में भी हमारे क्लब्स हों जहाँ पर हम कोचेस अपॉइंट करें या उनसे एग्जिस्टिंग क्लब से टाइप करके हम रन करें. और स्पार्टन्स यूट्यूब चैनल के लिए हम ट्राई कर रहे हैं कि मोर ट्यूटोरियल्स लाएं और लर्निंग वीडियोज लेकर आएँ. सो अवर बेसिक गोल इज़ टू एक्सपांड एंड हम जो नॉलेज यहाँ पर कुछ बच्चों को दे पा रहे हैं वो उसकी अवेयरनेस और एक्सपांशन हम सब जगह कर पाए. क्योंकि ये तो इंदौर सिटी है, यहाँ पर टेबल टेनिस इन MP यहाँ पर बहुत सारे लोग खेलते हैं. वैसे कुछ ऐसी छोटी जगह भी हैं, कुछ नहीं बहुत सारे मेजर ऐसी जगह जहाँ पर प्लेयर खेलना तो चाहते हैं बट उनके पास में हॉल्स अवेलेबल नहीं है, उनके पास में प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, कोचिंग नहीं है और कोचेज भी इतने आगे नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनके पास में इतने प्लेटफॉर्म नहीं है टू सस्टेन, दे डोंट हैव फैसिलिटी. तो हमारा वही ट्राई है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू लेकर आ पाएँ कि वो इस स्पोर्ट्स की ब्यूटी को समझे, पार्टिसिपेट करें. क्योंकि टेबल टेनिस ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ टेबल टेनिस खेलना सिखाता है, आपको ये बहुत सारी आपको फिजिकली फिट रखता है, आपको टीम स्पिरिट सिखाता है, आपको स्पोर्ट्समैनशिप सिखाता है और ये एक ओलंपिक स्पोर्ट्स है. हमें नहीं पता किस शहर से किस जगह से कौन बच्चा कब टैलेंटेड आ जाए और स्टार बन जाए. सो हम चाहते हैं कि हम हमारा जो नॉलेज है हम ऐसी जगह तक पहुंचाए और उसके लिए हम डिजिटल प्लेटफॉर्म भी यूज कर रहे हैं. सोशल मीडिया तो गुड फॉर इन्फ्लुएंसिंग और ट्यूटोरियल. हम ऐसे कोर्सेज भी बना रहे हैं डिजिटल जिससे लोग ऑनलाइन भी सीख सकें. अच्छा, दैट्स रियली नाइस. एंड ऑलरेडी वी आर डूइंग, हम यहाँ से वी आर टेकिंग क्लासेस अराउंड द वर्ल्ड. अभी उसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो कम है बट वी वांट टू एक्सपांड और हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे जो कोचिंग क्लासेस है, ट्रेनिंग वीडियोस हैं, ये ऐसे सारे इंटरेस्टेड जो भी पीपल हैं टेबल टेनिस के वो उसे यूज कर पाए और उसका बेनिफिट ले पाए. क्रेजी यार, दैट्स रियली नाइस बिकॉज़ हां, लाइक इट मेक्स सेंस कि अगर आप कोर्स बनाते हो देन तो पूरी दुनिया ही आपका एक्टिविटी को बच्चा कनेक्ट कर सकता है. एंड स्पेशली लाइक टीटी का जितना ग्रोथ अभी मैं देख रहा हूं इंडिया में, इट्स ऑलवेज अपराइजिंग. कुछ ऐसे प्लेयर जो आज ही एक इवेंट है उसमें चैंपियन होके आए हैं. बार बहुत हाई सेट कर दिया है. So they are age क्या और experience क्या है, वो हाँ. आप resume हमें हमारे experience के बारे में थोड़ा बताइए आप पहले. So मेरे पास में जो दो players मैं आपको जिनके साथ में खिलाने वाला हूँ वो एक 13 years old है और एक 14 years old है और उनका experience उनकी half of the age है. क्या बात कर रहे हो? Yes. मतलब 6 साल. Yes. ये तो tough हो गया थोड़ा. So, और हमारी age से ज़्यादा उन्होंने nationals खेल चुके. आपके पूरे पूरे चांसेस एकदम सच बताओ, क्या चांसेस है कि आज हम उन्हें हराते हैं? जीरो ही होगा वैसे. अगर अगर वो स्मैश नहीं मारे तो अगर वो स्मैश नहीं मारे तो फिर बोल सकते हैं फिर भी 90% उनका, क्योंकि वो रैली में भी खिलाना चाहते हैं. बट बहुत मजा आने वाला, मजा आएगा, विल बी वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर यू. सो गाइस, जैसे कि हमारा ये सेगमेंट है, लेट्स सी कि हम कुछ टैलेंटेड बच्चों के साथ खेलेंगे एकेडमीज में. लेट्स सी, देखते कितने से हारते हैं. एनीवे, लेट्स कंटिन्यू. विल प्ले, विल बी प्लेइंग देयर, राइट? हम लोग ट्राई करेंगे. चलो लेट्स ट्राई. चलो परफेक्ट. स्टार्ट करें. हाँ, रेडी. पहला किसका है? ये लेगा, राइट? सो जब मैं डबल्स करूंगा मैं यहाँ से करूंगा और आपको. हाँ, ठीक है. ये वो सर्विस है जो हमारी सबसे पहले वायरल गई थी. मैं लेजेंड देख रहा था यार.
चल चल ओके आपका सर्विस है टू लव देखा गोश्त आ गया बट थोड़ा बॉडी मूवमेंट में लव फ्री कुछ तो करना और लव तो अब आपका रिसीव है मेरा सर्विस तो हाँ स्विच 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 फाइल आउट यार सिक्स लव आपका सर्विस है चल चल कम ऑन बताया नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे नाइस शॉट और बढ़िया नाइस वन ठीक है वो स्पिन होगी नहीं सॉरी सेवन वन आप करी सी सॉरी हाँ Yes. Yeah. That's the point, right? It was. It was. Mark. Yes. Good shot. Aapka service. Acha. Oh. That's called around the get... tough tha bhai tough tha kidhar change hoga right ha hey too much lucky just got lucky dekhna chala kuch to एक है नहीं हुआ ये आपका पॉइंट है यस मैंने मिस कर दी चला वो वाला कर जो तो वो इंटरनेशनल लेवल पे करता था रिटर्न I'm quick on my feet. बहुत अच्छे हैं. One love. Love two. Come on, come on. For love. Okay. Comfort? Yes. Yeah, 5-1. Wow. अब बोल मेरा है बोल पॉइंट बनाने
भाई मेरे को तो भारी Yes, 1-0. One all. कुछ नहीं भाई, बस बॉल का सोच रहे हैं। बॉल बढ़िया चला। बाहर मारने के बाद बहुत बढ़िया पड़ा है। मेरे को लगा अंदर होगी। चल चल चल, कम ऑन, गुड शॉट। Score.
अरे यार मैं सवाल क्यों करना चाहता हूँ Yes, 6-5. Okay guys, so thank you so much for watching. This was Rohan and Roshan Joshi and Rishabh Singh. And क्या लगता है कैसा? डे वन और जितना हमने प्रैक्टिस करा सब सब काफी अच्छा किया। चलो दैट्स रियली नाइस, दैट्स नाइस। तो मतलब इसी के साथ इन लोगों ने कह दिया हम एक साल में ओलंपिक्स में हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक्स।